चैनल वंस अगेन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है देन यूजुअल, थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि आज हम कुछ डेकोरेटिव आइटम्स की मेकओवर करेंगे। तो अगर आप मेरी तरह डेकोर एंथुसियास्ट्स है तो जाहिर सी बात है कहीं सारे डेकोरेटिव आइटम आप लेते होंगे अपने घर को सजाने के लिए। बट विद द टाइम क्या होता है, उसकी जो शीन होती है, उसकी जो टेक्सचर होती है वो थोड़ी सी ख़राब होना शुरू करते हैं, वो डल हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो हमारे पास जस्ट दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर टू डिस्कार्ड इट और टू डोनेट इट। बट कभी कभी क्या होता है, उन सारे डेकोरेटिव आइटम के साथ कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई होती है, कुछ इमोशंस जुड़ी हुए होते हैं, सो हम उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी ये भी होती है कि अभी कुछ उसकी जगह पे कुछ और कुछ लेने की प्लानिंग भी नहीं होती है, बजट कंस्ट्रेंट होती है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आगे फेस्टिव सीज़न भी आने वाली है। तो अभी ये टाइम जो है, आपके घर में अगर कोई भी ऐसे ओल्ड लुकिंग, ऐसे थोड़ी सी डल लुकिंग कुछ भी डेकोरेटिव आइटम है, उसे थोड़ी सी मेकओवर देना तो बनता है। सो यूजुअली क्या होता है, हमारे घर में ऐसे डेकोरेटिव आइटम तो बहुत सारे होते हैं, बट फिलहाल मैं तीन ऐसे डेकोरेटिव आइटम को मेकओवर करके दिखाऊंगी। और आने वाले टाइम में ऐसे कुछ और भी डेकोरेटिव आइटम्स जो हमारे घर में हैं उन्हें भी मैं एक मेकओवर देने की कोशिश करूंगी। और आपके लिए भी और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, आप सोच रहे हैं उसे डिस्कार्ड करने के लिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। तो अगर अब मेरे पास वैसे चीज़ होंगे तो मैं उसे भी मेकओवर करूंगी। और मेकओवर शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फिर चलिए और नहीं देर करते हैं और ये इंटरेस्टिंग सी मेकओवर को शुरू करते हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और आप देख सकते हैं ये एक वुडन वेज है, बहुत सालों का पुराना है, तो कहीं जगह पे चिप हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो इसे हम लोग एक मेकओवर देने वाले हैं। ये वेज आपने कहीं बार देखा है मेरी मेकओवर वीडियो में, तो फिर चलिए इसको आज एक दूसरा रूप देते हैं हम लोग। तो पहली दफ़ा में हम लोग जो करेंगे सारे साफ़ कर लेंगे, बहुत सारे डस्ट यहाँ पे जमी हुई थी तो वो सारे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है गीली कपड़े से, और इसके बाद मैं इसमें एक कलर करूँगी। मैं एक्रेलिक पेंट ही करूँगी, मेरे पास कुछ एक्रेलिक पेंट्स थे एंड उसके साथ कुछ चॉक पेंट्स भी थे, दोनों को मिला के मैंने किया है। अगर चॉक पेंट नहीं है तो नॉर्मल एक्रेलिक पेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे एक सेज ग्रीन कलर चाहिए थी बट मेरे पास ब्लैक नहीं थी, सेज ग्रीन को बनाने के लिए एक ब्लैकिश टिंज होना ज़रूरी होता है, तो ब्लैक कलर ख़त्म हो गए थे तब। सो ऑलमोस्ट दिस कलर मुझे अच्छा ही लगा तो फिर ये कलर मैंने करना शुरू कर दिया है। सो पहले दफ़ा में मैंने फर्स्ट कोट किया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास जेसो है तो पहले जेसो लगा सकते थे, लेकिन मैंने जब ये किया था मेरे पास जेसो भी ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं किया है। तो ये मेरी फास्ट कोट है और आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी अंदर की जो काम खाली खाली जगह है वहाँ पे भी मैं पेंट कर रही हूँ, क्योंकि वो पोर्शन भी नहीं तो ख़राब दिखते हैं। सो ये बहुत ही माइन्यूट एक काम है। अभी मैं सेकेंड कोट कर रही हूँ, तो सेकेंड कोट करने के बाद मुझे जो दिख रहा था कि जो पेंट ब्रश है उसका जो स्ट्रोक्स है वो दिख रहा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने वो प्रोसेस रोक के स्पंज ब्रश से ये सेकेंड कोट कंप्लीट किया है। तो अगर आपके पास ऐसे स्पंज ब्रश नहीं है तो नॉर्मल जो बर्तन धोने की जो स्पंज मिलते हैं उनसे भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ब्रश
जो स्ट्रोक होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। सो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, और ये ड्राई भी हो गया, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर वर्निश कर दिया एज अ प्रोटेक्टिव कोट। सो ये मेरी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। सो एक डिफरेंट सा लुक आ गया है इसके अंदर, और इसके साथ मिला के मैं फ्लावर और लाइट्स भी ऐड करूँगी। इससे पहले लाइट्स को मैंने बाहर रखे थे, बाहर वुडन जो ऐसे थे ब्रांचेस उसके ऊपर लगाया हुआ था, बट इस बार मैं अंदर इंसर्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें होल्स है। और ऐसे इसके साथ मैंने पिंक फ्लावर रखे हुए हैं, ग्रीन के साथ पिंक की कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे लगते हैं, पिंक ब्राउन ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सारे लगाया है, और इस तरीके से मेरा फर्स्ट जो मेकओवर है वो कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं ये अभी कैसा लग रहा है। नेक्स्ट जो मेकओवर है ये एक ग्लास कैंडल होल्डर है, ये भी लास्ट ईयर मैंने लिया था, बट मेरे हाथ से जब मैं साफ़ करने गई थी वो गिर के एक क्रैक आ गया था उसके अंदर। सो एज अ कैंडल होल्डर तो मैं इसे अभी यूज़ नहीं कर सकती, तो इसकी थोड़ी सी मेकओवर के लिए सोचा इसीलिए, तो इसका मेकओवर मैं वॉल पुट्टी से करूँगी। तो अगर आपके पास कोई भी ग्लास की ऐसे वेज है जिसे आप मेकओवर देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा एक लुक आता है। तो कुछ इस तरीके की सामान चाहिए, वॉल पुट्टी चाहिए, एक प्लास्टिक कंटेनर चाहिए, कुछ कलर्स चाहिए, ब्रश चाहिए, एक नाइफ चाहिए, एंड इस तरीके से मैं अभी पुट्टी को डाल ले रही हूँ एक प्लास्टिक कंटेनर में, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ब्लैक कलर मिलाया है। मुझे एक्चुअली वो पर्टिकुलर वाइट जो कलर है वो पसंद नहीं है आ रहा था, तो थोड़ी सी टिंच लाने के लिए मैंने ब्लैक कलर मिक्स किया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके के कलर इसमें सोच रहे हैं, अगर आप बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कलर मिला सकते हैं। तो मैंने ब्लैक कलर मिला लिया, तो मुझे एक ग्रे टोन चाहिए थी इसीलिए मैंने ब्लैक कलर मिला लिया। अभी थोड़ी थोड़ी करके मैं पानी मिला रही हूँ और एक डो बनाऊँगी, जैसे आटा का डो होता है वैसे ही डो आपको बनानी है। तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए डो, मेरा ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, तो थोड़ी सी हार्ड डो ही बनाइए आप, तो उसको हैंडल करने में इजी होगी। अब मैं हाथ में थोड़ी सी ऑयल लगा ले रही हूँ, और ऐसे पेरे टाइप के बना लीजिए जैसे हम लोग आटा की रोटी के लिए बनाते हैं, और इसको इस तरीके से फ्लैटन कर लीजिए। आपके पास अगर रोलिंग पिन है जो ऐसे ही पड़े हुए हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैटन करने के बाद मैं नाइफ की मदद से एक स्क्वायर पोर्शन काट ले रही हूँ। पर्टिकुलर मेरा जो वो कैंडल होल्डर है उसकी साइज़ में काट रही हूँ, और इस तरीके से मैं उसमें लगा रही हूँ। नीचे के पोर्शन मैंने अलग से किया है तो आप देख सकते हैं। और आपको एक बोल में पानी लेना है, और आपकी जो फिंगर है उसमें डिप कर लीजिए बार बार, और इस तरीके से फैला लीजिए पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो ये पुट्टी का जो डो है उस तरीके से आप थोड़ी सी ऐसे फैला लीजिए। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, और थोड़ा सा आप हाथ में ऐसे पानी ले लेंगे तो वो आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से आप प्लेन कर लीजिए, शेप ला सकते हैं एक अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके की एक शेप लाया है इसमें, और ये सूखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अभी मैं इसमें एक टेराजो इफ़ेक्ट देने वाली हूँ, आप देख सकते हैं मैंने ब्रश में थोड़ी सी ग्रीन कलर लिया है और ऐसे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कलर, ग्रीन कलर पहले स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये नॉर्मल एक्रेलिक कलर ही है, आप देख सकते हो, ये बहुत खूबसूरत एक लुक देता है। इसके बाद मैं वाइट कलर भी दे रही हूँ इस तरीके से, और फिर उसके बाद मैं ब्लैक दूंगी, और ये मैंने ब्लैक दे दिया है, और इसके बाद ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है।
अभी मैं मेरे पास ग्लॉस वर्निश थी, अगर आपको ऐसा रॉ लुक चाहिए तो आप वर्निश करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दिया है एक ग्लॉस वर्निश और द फाइनल लुक इज़ लाइक दैट। तो मैंने इसे एक फ्लावर, छोटी सी फ्लावर वेस की तरह यूज़ किया है। तो ये है हमारी थर्ड प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं ये एक मोटिव है, फिश की मोटिव, बट देखने में बहुत ही प्लेन है, मुझे कभी भी उतनी पसंद नहीं आई, तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। तो अभी सोच रही हूँ कि इसे एक नया लुक दे। तो यहाँ पे भी मैंने पुट्टी ले लिया है, बट इस पुट्टी में मैंने कोई कलर मिक्स नहीं किया है और सेम तरीके से मैंने इसको फ्लैटन कर लिया है। और फिर मैंने जो किया है उस जो हॉलो स्पेस है उसको मैंने फिल करने की कोशिश किया है। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी क्लमजी थी क्योंकि बीच में पूरा हॉलो है, तो फिर भी मैंने कर लिया। पहले एक साइड में मैंने कर लिया, आप देख सकते किस किस तरीके से किया है मैंने। सो बीच का पोर्शन मैंने अच्छी तरीके से फिल कर दिया, फिर मैं इसको फैला रही हूँ सेम तरीके से जैसे मैंने फिंगर में थोड़ी सी पानी ले लिया है और प्लेन करती जा रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरीके से आप प्लेन करते जाइए तो आपकी फिंगर में ज़्यादा नहीं चिपकेंगे। तो दोनों साइड में ही ऐसे कर दिया है मैंने और फिर मैं इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी साइड की ओर। मुझे पूरी जो मेटेलिक पोर्शन है वो फुल एरिया मुझे कवर करनी है। सो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर सूखने के बाद कहीं भी क्रैक अपेयर होता है तो आप क्या कीजिए, वही जो पुट्टी की मिक्सचर होती है थोड़ी सी एक एक बोल में लेके थोड़ी सी एक पेस्ट टाइप की बना लीजिए और वो जो क्रैक अपेयर हो रहे हैं उस क्रैक के ऊपर आप थोड़ी सी उसको ऐसे स्प्रेड कर दीजिए तो वो क्रैक बिल्कुल से ही गायब हो जाएगा। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है यहाँ पे मुझे थोड़ी सी क्रैक आई थी आफ्टर ड्राइंग। तो देखिए मैंने इसको सूखने के लिए दे दिया है, सो इसकी ड्राई होने के बाद क्रैक्स आए थे, तो मैंने उस तरीके से मेकअप भी कर लिया है। तो ये अभी इस तरीके से तैयार है, दोनों साइड में तैयार है। आप सैंड पेपर की मदद से घिस के थोड़ा सा प्लेन कर सकते हैं या रफ भी लग सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसके ऊपर एक पेंटिंग नहीं कहूँगी, एक मधुबनी आर्ट टाइप बनाऊंगी, नॉट मधुबनी आर्ट, थोड़ी सी मोटे टाइप की होंगे। तो पहले मैं पेंसिल से स्केच कर ले रही हूँ और दोनों साइड में मुझे सेम स्केच करनी है, फिश की दोनों साइड में ही सेम स्केच करनी है पेंसिल से। इस तरफ देखिए मैंने इस तरीके से जो पेंसिल की मार्क है इस तरफ भी मैंने थोड़ी सी खींच लिया है ताकि मेजरमेंट सेम रहे दूसरी तरफ भी। तो ये करने के बाद मैं अब कुछ पेन लिए हैं, मार्कर पेन जो कि थोड़ी सी मोटी है। अगर आपको और भी नैरो टाइप की कुछ चाहिए या बहुत ही स्मॉल टाइप की भी पेन आते हैं ऐसे मार्कर पेन जो नैरो होते हैं इसके, वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास यही थे तो मैंने इसको ही यूज़ किया है। मैं ब्लैक एंड ब्लू की एक मोटिव बनाने वाली हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। जस्ट नॉर्मल मोटिव इस तरीके से बनाया मैंने। तो मेरा पैटर्न बनाना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी मैं जेसो अप्लाई कर रही हूँ इसकी जो मेटल स्टैंड था उसके ऊपर, और नीचे ऐसे जो वुडन बेस था उसमें मैं जेसो अप्लाई कर रही हूँ। और जेसो सूख जाने के बाद मैं इसके ऊपर एक्रेलिक कलर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ही कोट किया है तो मुझे एक रस्टिक फीलिंग चाहिए था उसलिए। और ये मेरी बन के तैयार है, आप देख सकते हैं ये कैसे लग रहे हैं देखने में अभी। तो इतना ही था आज के लिए, ये तीनों मेकओवर आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में।
और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। फिर लौटूंगी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।